9 उठे हैं, लेट्स गेट सम लाइट। तो day 9 है, आज टेस्टिंग होगी। होपफुली जिस टाइम वो आपको दिखा पाए। तो अभी दिन की शुरुआत है, थोड़ा व्यायाम, ब्रेकफास्ट, देन RT-PCR, उसको भी कोशिश करेंगे वीडियो में आ जाए, और फिर कल हम बाहर जा पाएंगे रिपोर्ट के बाद। होपफुली नेगेटिव ही आए, नेगेटिव ही आएगी। सो सी यू गाइस। ये जो गार्लिक लेमन आप देख रहे हैं और हनी, ये मैं बता देता हूँ क्यों यूज़ कर रहा हूँ। 5th डे तक सब ठीक जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। 6th डे थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, क्योंकि ये बहुत क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, इसी चलता रहता। आप बंद भी कर दो, फ्रेश एयर नहीं मिलती, और खाना भी वही खाना पड़ रहा है। तो शायद इट टुक अ टोल, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। बट 5th डे मेरा थोड़ा BP शूट कर गया। दो आई एम नॉट एट ऑल हैविंग एनी BP प्रॉब्लम्स राइट नाउ। कोई मेडिकेशन भी नहीं चल रही है, पल्स भी हाई चली गई। 6th डे ज़्यादा दिक्कत हुई, सो आई हैड टू कॉल देम। एंड मैंने इनसे पूछा कि भाई आपके पास कुछ है तो मुझे आके चेक कर लो या दवाई। तो दे सेड कि मैं बेसिक मेडिसिन है, कफ कोल्ड जैसे पैरासीटामोल हमारे पास भी है। मीन्स दे डोंट इवन हैव, जबकि यहाँ मेडिकल टीम का नंबर गिवन है, तो कोई BP की या एनजाइटी रिलेटेड पल्स बढ़ने वाली कोई टैबलेट नहीं है। सो व्हाट दे सेड कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हम एम्बुलेंस बुला देते। तो सीधा एम्बुलेंस बुलाने को तैयार थे कि वो आपको देखेंगे, चेक करेंगे, और दिक्कत होगी तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। वो तो मैंने कहा रुको फिर 1 घंटा, लेट मी सॉर्ट इट आउट मैनेज। फिर मैंने अपने डॉक्टर से बात की, माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी होटल में क्वारंटीन में थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस रखिए, क्योंकि अगर ये बाहर लेके जाते हैं पता नहीं, इट इज़ फ्री और दे विल चार्ज यू डोंट नो एनीथिंग। और इंडियन मेडिसिन मैंने यहाँ ट्राई की थी कि ऑनलाइन आ जाए, तो वो सेम सॉल्ट नहीं मिल रहे थे। 2 BP रिलेटेड मेडिसिन थी, और बाकी नारकोटिक तो आप ले ही नहीं सकते बिना प्रिस्क्रिप्शन के। सो हेल्थ इंश्योरेंस लेके आइए, और अगर कोई अंडरलाइन बीमारी है जो पहले रह चुकी है तो आप उसके लिए भी मेडिसिन ला सकते हैं। और अदरवाइज़ फिर यहाँ होटल में मेडिकल नंबर तो है बट अवेलेबिलिटी नहीं है, दे विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द हॉस्पिटल और वो फिर आपको ले जाएंगे यहाँ के चेक करेंगे। सो दैट इज़ आई हैव टेकन दिस। तो मैंने होम रेमेडी करके उसे कंट्रोल करा नेक्स्ट डे। उस दिन तो दिमाग ने काम नहीं करा, बट नेक्स्ट डे किया तो आई एम बेटर नाउ। तो ये इन्वायरमेंट का असर आप पे हो सकता है। गार्लिक खाना पड़ेगा, ये मन ना रखे। काफ़ी लेविश ब्रेकफास्ट भेजा है, क्रोसो चीज़ और ये मोटे गंदी ब्रेड, ये रोटी, आलू की सब्ज़ी, इसको मान लो आप सांभर है या आलू है इसमें, और ये भी सेम है, बॉइल्ड एग्स, 2 दही, 4 फ्रूट भेजे, हमने फ्रूट मांग लिए थे, 3 वो भेजे इन्होंने, बटर, इडली, ऑमलेट। तो ये हम 2 बंदों का इतना सारा ब्रेकफास्ट है। सो लेट्स ईट इट एंड टेल यू हाउ इट वॉज। ब्रेकफास्ट डन एज यूजल, एवरी टेस्ट था, इडली वॉज फाइन, बॉइल्ड एग ऐसे ही थे, ऑमलेट से जुगाड़ कर लिया, रोटी वो वाली ज़्यादा हम खाते नहीं, सुबह तो खा ही नहीं जाती, दही के साथ खाने के लिए कुछ नहीं था। अब 9:30 बज गए हैं, हम टेस्ट वाली अवेट कर रहे हैं। 12-1 बजे लास्ट टाइम 1:30 बजे आई थी, शायद 12-1 बजे तक आएंगी जो भी है मैडम। एंड देन वील ट्राई एंड रिकॉर्ड एंड इन्फॉर्म यू क्या रहा आज के दिन। सो सी यू। दैट इज गुड। ओके सो अभी अभी कॉल आया होटल से हमें, और वो आ रहे हैं हमारा टेस्ट करने, पासपोर्ट रेडी रखने का बोला है। इंग्लिश बहुत फनी थी, मुझे तो समझ में नहीं आई, शपिंदर के नाम से ले रहे थे। सो अपिंदर सिंह तोतली कीप रेडी योर पासपोर्ट, दे आर कमिंग एंड वील ट्राई एंड रिकॉर्ड। और बस अब बजे हैं लगभग 12:30 बजने वाले हैं,
तो अब आए तो कल इसी टाइम हमें फ्री कर दिया जाएगा। ये एक्साइटेड टू गो आउट सी द सिटी यूज द पूल। वी लास्ट टाइम इफ वी कैन यूज द पूल आर नॉट टुमारो। ओके लेट्स सी। यहाँ डेली फाइटर जेट जाते हैं सुबह, और ये हमारा नॉर्मल प्लेन जा रहा है। मरते मराते बेचारा। जूम इन करके दिखाते हैं, ये देखो ये आराम आराम से जाते हैं। कोविड टेस्टिंग टाइम। ओके पासपोर्ट अनंत। तो अब 2 बजे टेस्ट हुआ। 1.5 घंटे से वेट कर रहे थे, पूरा अंदर तक स्वैब डाल दिया है, और तब से भूखे बैठे हैं। अब खाना खाएंगे और कल हमारी रिपोर्ट आएगी, फिर हमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड देन वी आर फ्री टू गो रोम अराउंड। 1.5 दिन का टाइम होगा, बट कल है फ्राइडे। फ्राइडे यहाँ टोटल बंद होता है, छुट्टी होती है, तो जो जो खुला होगा देख लेंगे। और सैटरडे को भी, मतलब यहाँ का वीकेंड फ्राइडे सैटरडे होता है। एंड मेट्रो के भी टाइम देखे थे, इफ़ यू अवॉइड टैक्सी टू सेव मनी। मेट्रो भी कल दोपहर में 12 या 2 बजे के आसपास चलेगी। सो वील कीप यू पोस्टेड अपडेटेड। बाय। सो अभी जो वो टेस्टिंग के लिए आए, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग। मैंने पूछ लिया रिपोर्ट का कैसे, कल सुबह तक कह रहे रिपोर्ट आ जाएगी, और सब यहीं आएगा, रिपोर्ट और आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो कल हम आपको अपडेट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली वो काम आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, कैसी रिपोर्ट है, क्या है, सब मैं आपको डिटेल बता दूंगा। तो कल के दिन का व्लॉग ज़रूर देखना, वो जो 10 डे का है हमारा। और अगर हमें बाहर जाके टेस्टिंग करानी पड़ती है, जो भी सिद्रा मेडिसिन है, जो हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, सो दैट इज़ अ बिग हॉस्पिटल आई बिलीव उसका नाम ऐसा है। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है, या इसमें QR कोड है कि नहीं है, सारी अपडेट्स मैं आपको तब दे दूँगा। सो लेट्स एंड द व्लॉग हियर। बाय बाय।